आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे ना, साहित्यिक हिंदी क्लास 11, और यह सेट 3 होगा। अब मार्केट का क्वेश्चन पेपर है, जल्द से जल्द चौथा और पांचवा सेट आपको मिलने लगेगा, देख रहे ना, पूर्णांकसव का है, MBB पेपर कंकांत है, और यह मार्केट का क्वेश्चन पेपर है। बाजार से यदि आपके सर जी मार्केट से क्वेश्चन पेपर लाए होंगे तो निश्चित रूप से यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पहुँचेगा, निश्चित रूप से आया हुआ है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। यदि आप पुरातन छात्र हैं तो अधिक से अधिक शेयर करना, नवीन छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ऑल इंडिया बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, यही क्वेश्चन पेपर उनके विद्यालय में आया हुआ है, समझ लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा हल भी मिलेगा। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं अज्ञे, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, चार विकल्प है जो सही हो उसमें टिक करना आपको। ये OMR का है। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजातशत्रु, पद्म सिंह, नहुष, देख रहे ना। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था आगरा, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद। चौथा क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, शिवानी, यशपाल। आदिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अधिक से अधिक शेयर करना है, जिसके बाद आपको वार्षिक पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हैं। चौथा पाँचवा सेट मिलने के बाद आपको जल्द से जल्द तीसरा सेट चौथा सेट भी मिलने लगेगा। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और अधिक महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो एक क्या नहीं कर सकते, इनसे इतना कह दीजिए का चुप रह का चुप साध ही रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे, देख रहे हैं। इसका पढ़ करके प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की है स्पष्ट कीजिए। भारतीयों को किसकी संज्ञा दी गई तथा क्यों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। महसूल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, उर्यह दृढ़ कार्य पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस, देख रहे ना, स्वप्न दिवस निसर कान कान जकरी, देख रहे ना, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, सु तो व्याधि हम कौले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लय सौपाओ जिनके मन चकरी। प्रस्तुत पद्यांश में के शीर्षक व उसके कवि का नाम बताइए। गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, टॉप करना है, कमेंट करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, जान रहे हैं, शेयर करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक करना है आपको। ब्रह्म और योग की बात सुनकर गोपियों को कैसे कैसा लगता है, गोपियों ने बीमारी किसे कहा, प्रस्तुत पद्यांश की काव्य शैली की दो विशेषताएं बताइए। PTO देख रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ आया हुआ है, मार्केट का क्वेश्चन पेपर है। यदि आपके सर जी लाते होंगे मार्केट से तो यही पहुँचा है। अधिक से अधिक शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण। समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, देख रहे ना, बिल्कुल वीडियो को पूरा देख रहे हैं, स्किप नहीं करना है, देख रहे ना। समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा बलिदान कहानी के आधार पर हरखू का चरित्रण कीजिए। निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यतो यता समी हसे ततो न अभयम कुरु, सन्ना कुरु प्रजोभ्यो अभयम न पशुभ्या, अथवा पुरावस्सनाम एकम समृद्धम राज्यम आसीत, अस्य राजधानी कौशाम्बी स्थानाति दूरवर्तते, देख रहे ना, पूरा का पूरा यही करना है आपको आया हुआ है। फिर
निम्नलिखित प्रश्न किसी दो प्रश्न के उत्तर दीजिए, संस्कृत दीजिए। सुभाषे जन्म कुत्र अभवत्? व्यासा किम रचितवान? यत्नेन किम संरक्षेत? व्यास फिर है भारतवर्षम शत्रुभ्या का रक्षति? करुण अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। कोरोना वैश्विक महामारी, हमारा पर्यावरण, मेरा प्रिय कवि, शिक्षा में आरक्षण। उपौषध अथवा नायिका में संध कौन सी संधि है? अस्था धातु के विधलिंग आकार मध्यम पुरुष, देख रहे ना, मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लिखिए। विद्यावान पुरुषता, निम्न में किसी एक का विग्रह समास करके समास का नाम लिखिए। समुद्रम पीयूष पाणी, किन्हीं चार वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम जल्दी घर जाओ, गुरु को नमस्कार, हिमालय भारत की रक्षा करता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, प्रजा का कल्याण हो। देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।